नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हमारा पाठ चल रहा है 12 सतरंगी परियां, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट में पहले अपने पाठ को एक्सप्लेन किया था, समझाया था, ठीक है। उसके बाद हमने 3rd पार्ट में शब्दार्थ श्रुतलेख सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो किया था। 4th पार्ट में आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। क्या करेंगे बच्चों? हम प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारे पास प्रश्न है मौखिक और लिखित, ठीक है बच्चों। तो मौखिक प्रश्न भी हमको समझने हैं और कॉपी में सुंदर लेख में गृह कार्य में करने हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न दिए गए हैं हमें, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। उत्तर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा है, सतरंगी परियां। मौखिक प्रश्न में का है, सैर कौन कर रहे थे? आपने पढ़ा था कौन कर रहे थे बच्चों, बताइए। वेरी गुड, सैर दो नन्हे नन्हे दोनों बादल कर रहे थे। खा है बच्चों, सूरज ने बादलों से क्या कहा? सूरज ने बादलों से क्या कहा जब वो दोनों बादल रो रहे थे? उदास ना हो, मैं परियों को भेजूंगा। बादलों को बोला था कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे पास परियों को भेजूंगा। गा है, परियां कौन कौन से रंग की थी? आपने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था मैंने पैराग्राफ में कि जो 7 परियां थी सतरंगी, 7 रंग की, उनके कौन कौन से रंग थे? बैंगनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। ये थी 7 रंग की परियां, जिनमें 2 परी नीले रंग की थी। तो हमने 2 बार लिखा है, बैंगनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल, जिनमें 2 परियां कैसे रंग की थी बच्चों? एक सेम रंग था नीली। अगला है प्रश्न बच्चों, घा, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी? जब परियां छोटे छोटे नन्हे नन्हे बादल जो रो रहे थे उनको चुप करके आई थी, उनको आंसू पोंछ कर आई थी, उनके आंसुओं से उनकी फ्रॉक गीली हो गई थी, तो उन्होंने परियों ने अपनी फ्रॉक कहाँ सुखाई थी? सूरज की किरणों से बनी एक लंबी तार पर, जो सूरज की किरणें थी जिनसे एक लंबी तार बन गई थी, उसके ऊपर परियों ने अपनी फ्रॉकों को सुखाया था। ये थे हमारे बच्चों क, ख, ग, घ, 4 मौखिक प्रश्न जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगला है हमारा बच्चों लिखित, लिखित प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो इसमें बच्चों का है, दोनों बादल क्यों रोने लगे? दोनों बादल क्यों रोने लगे? तो इसमें है, दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि घूमकर दोनों बादलों को चक्कर आ गए और दोनों में टक्कर हो गई, ठीक है। जब वो ज्यादा घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, तो दोनों घूम घूम कर चक्कर खा गए और दोनों में टक्कर हो गई और दोनों की चोट लग गई और वो रोने लग गए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, उत्तर, दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि घूम कर दोनों बादलों को चक्कर आ गए और दोनों में टक्कर हो गई। आपको ये प्रश्न अपनी किताब में भी भरने हैं। आप मेरे साथ साथ किताब में भरते जाइए और उसके बाद गृह कार्य में कॉपी में करोगे। अगला प्रश्न है अपना बच्चों खा, क्या आंसर है? खा, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं बच्चों? 7 कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये 7
सात रंगों से अपना इंद्रधनुष बनता है। ये सात रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, आपको याद होने चाहिए बच्चों, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है बच्चों, ये हैं हमारे इंद्रधनुष के सात रंग। तो बच्चों हमने सतरंगी परियां जिनके प्रश्न उत्तर करे आज, जिसमें चार प्रश्न मौखिक और दो प्रश्न लिखित में हैं, टोटल प्रश्न छह हैं जो आपको सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करना है। इससे पहले आपको ये दोनों मौक लिखित वाले प्रश्न के उत्तर अपनी किताब में भरने हैं। आपकी किताब में ये प्रश्न पेज नंबर 90 और 91 पे दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर को किताब में भरोगे और उसके बाद मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर को सुंदर सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करोगे। अगर प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए और अपने आप करने के लिए आपको अपना पाठ कई बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इतने अच्छा समझाने के बाद आपको ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ ही की यहीं क्लास में लर्न हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। अब हम इसमें दो प्रश्न और हैं, तीसरा इसका प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, इसमें तीसरा प्रश्न है और एक है भाषा को समझे में प्रश्न। दो प्रश्नों को मैं अगली क्लास में कराऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद। पाठ को पढ़ना, गृह कार्य सुंदर लेख द्वारा कॉपी में करना। थैंक यू बच्चों। हमने कर लिए थे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रश्न नंबर 3, शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियाँ लिखो। आपने सतरंगी परियाँ कविता पढ़ी थी, अब उनकी पंक्तियों को इसमें क्या दिया है? उल्टा सीधा दिया है, जिनको हमें सही क्रम में लगाना है। जो आपको का वाला है वो करा के दिखाया है, दिए पहुँच परियों ने आंसू, तो इसका सही आंसर है आंसू पहुँच दिए परियों ने। ठीक है, इसी प्रकार हमें खा वाला करना है, चले वे गए झूम झूम कर, लेकिन ये गलत है, पंक्ति सही बनाओ, झूम झूम कर चले गए वे, तो ये हमने पंक्ति सही करके लिख दी है। ग है बच्चों, दोनों खुश बादल हो गए, खुश हो गए दोनों बादल। आपने पढ़ी है तो आपको याद होनी चाहिए पंक्तियाँ, सही कौन सा है? खुश हो गए दोनों बादल। अब घ है, सब हो गई बंद हलचल, लेकिन इसका ये गलत है, तो सही पंक्ति है बंद हो गई सब हलचल। इस प्रकार हमने अपनी चारों क ख ग और घ को सही कर दिया। आंसू पोंछ दिए परियों ने, झूम झूम कर चले गए वे, खुश हो गए दोनों बादल, बंद हो गई सब हलचल। इस प्रकार हमने अपनी पंक्तियों को सही बना दिया। ये प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपको किताब में भी और कॉपी में भी करना है। अब इसके बाद आता है बच्चों अपना प्रश्न नंबर 4 तो नहीं है, भाषा को समझें का पहला प्रश्न। भाषा को समझें का पहला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। हमें चित्र दिया है जिसका एक शब्द दिया गया है, उसका दूसरा शब्द हमें समान अर्थ वाला ही लिखना है। जैसे देखो, पहला हमको करके दिखाया है बादल, बादल का समान अर्थ बताया है मेघ, मेघ भी कहते हैं बादल को। तो इसमें दूसरा है बच्चों सूरज, जिसका दूसरा समान अर्थ वाला शब्द है सूर्य, क्या है? सूर्य। हमको ये यहाँ पे इंडेक्स भी दी गई है, इसमें से हम देखकर लिख सकते हैं। वर्षा, तो दूसरा शब्द है इसका बारिश। जमीन, दूसरा शब्द है इसका धरती। तो देखो समान अर्थ हो गया बादल, मेघ, सूरज, सूर्य, वर्षा, बारिश और जमीन, धरती। तो ये हमने समान अर्थ वाले शब्द कर दिए हैं। बच्चों आपको ये वाला प्रश्न अपनी किताब में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। किस में करना है बच्चों? किताब में।
ये कॉपी में नहीं करना है, लेकिन ये वाला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 3, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और किताब में भी करना है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ सतरंगी परियां पाठ 12। अब आपका गृह कार्य है कि आप मौखिक प्रश्न जो मैंने कराए थे प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो जिसमें मौखिक थे ना, वो भी आपको कॉपी में करने हैं। लिखित प्रश्न भी आपको किताब और कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका शब्दों को सही क्रम में लगा कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, वो भी आपको कॉपी में करना है। और भाषा को समझे समान अर्थ वाले शब्द लिखें, वो आपको किताब के अंदर करना है। तो बच्चों ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है सतरंगी परियाँ अगले पाठ के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।